हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 37th वीडियो है। और दो चीजें हैं, दो फंक्शनैलिटी हैं, एक बेसिकली बग है और एक फीचर है जिसके बारे में हम आज के वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसा है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करते हैं तो मैं ये कार्ट की टेबल में आता हूं जो कि अभी मेरी एम्प्टी है। तो जैसे ही मैं एड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करता हूं मेरे कार्ट में एक प्रोडक्ट सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर। दोबारा आता हूं, एड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करता हूं, इधर आते हैं तो दोबारा सेव हो जा रहा है। यहां पे अगर आप देखें एक छोटा सा बग है ये, और बग ये था कि हमने जब एड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बनाई थी तो वो टाइम पे हम हमारे डेटाबेस में अगर यूजर रजिस्टर नहीं है तो एक उसकी टेम्परेरी आईडी डालते थे। तो ये एक छोटा सा बग रह गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इशू ये था कि मैं यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो चेक करा रहा हूं इसको एक्चुअली हमें नॉट के साथ चेक कराना पड़ेगा, और जो सेशन रिटर्न करते हैं इसे गेट के साथ रिटर्न कराना पड़ेगा। दैट्स इट। अब एक बार मैं डेटाबेस की टेबल को एम्प्टी करता हूं तो ये क्या कर रहा था, एक ही यूजर के लिए अलग अलग आईडी बना रहा था। तो अब मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करा एड टू कार्ट, मेरे डेटाबेस में एक रैंडम नंबर आया। अब हर यूजर के लिए यही रैंडम नंबर रहेगा, सॉरी, अब ये पर्टिकुलर यूजर के लिए यही रैंडम नंबर रहेगा। तो एक फीचर तो हमारा ये था जो हमारा यहां पर बग जो था हो गया। दूसरी फंक्शनैलिटी हमारी ये थी और वो थी हमारी यहां पे लॉगिन की फंक्शनैलिटी। तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी के लिए मैं एक बार लॉगिन करता हूं यहां पे। कहां गया हमारा कस्टमर, ये ईमेल आईडी है मेरी और पासवर्ड हमने चेंज किया था ABCD। लॉगिन करते हैं एक बार। तो देखिए इसने मुझे यहां पे लॉगिन करके दिया। कार्ट की टेबल में आता हूं एक बार मैं, पर कार्ट की टेबल में अगर आप देखें तो अभी भी आपको ये यही बता रहा है कि जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है वो इस यूजर ने बनाया था और उसके आगे नॉट रजिस्टर है। और अगर आप यहां पे देखें तो कार्ट में वो डेटा भी आपका नहीं रहा। अभी एक बार हम लॉग आउट करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने लॉग आउट करा तो वो जो प्रोडक्ट है मेरे एड टू कार्ड में दोबारा शो होने लग गए। तो ये बेसिकली इश्यू है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। तो एड टू कार्ड की टेबल में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सेव, जब भी कोई डिटेल सेव होती है तो हम लोग दो तरीके से लेके चल रहे थे कि अगर तो रजिस्टर्ड यूजर है तो उस यूजर का आईडी डाल देंगे और साथ ही साथ REG डाल देंगे यानी कि रजिस्टर्ड, और अगर नॉट रजिस्टर्ड यूजर है जिसने अभी तक लॉग इन नहीं करा है तो उस केस में हम लोग ये डाल देते थे। तो हमें एक फंक्शनैलिटी यहां पे ये करनी पड़ेगी कि जब हमारा सिस्टम लॉगिन होता है तो वो टाइम पे अगर सारी डिटेल करेक्ट है तो हमें इस टेबल के अंदर, कौन सी टेबल में, ये वाली टेबल के अंदर भी अगर कोई डेटा पड़ा है एड टू कार्ड में तो उसकी डिटेल को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये कोड है वो जो मेरा सक्सेस का मैसेज डालता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो डेटा पड़ा हुआ है उसको अपडेट कर दूंगा विद जो रजिस्टर्ड यूजर है हमारा उसके साथ। तो एक बार अपडेट की क्वेरी चाहिए, तो अपडेट की क्वेरी तो हम लोगों ने बहुत लिखी थी जब हम लोगों ने हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड वाला है वो सेक्शन बनाया था। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूं, ये मेरा सेक्शन है, इधर आते हैं और यहां मैं ये डाल देता हूं। तो हमने यहां पे बोला कि कस्टमर की टेबल में, सॉरी कार्ट की टेबल में, कार्ट की टेबल में डेटा अपडेट करना है जहां पे यूजर की जो आईडी है, यूजर की जो आईडी है वो बराबर है हमारा जो टेम्परेरी यूजर की आईडी है यानी कि ये हमारा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहां पे, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मुझे टेम्परेरी यूजर की आईडी दे देगा, उसको मैं यहां पे डाल दूंगा। और इसके साथ साथ एक चीज और होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए कि जो यूजर टाइप है वो नॉट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जो यूजर टाइप है वो यहां पे नॉट रजिस्टर्ड होगा, इसको भी मैं ये कर देता हूं। डेटा अपडेट क्या करना है, यूजर आईडी जो है डेटाबेस में वो डालनी है करेंट यूजर की आईडी यानी कि ये वाली, सॉरी ये वाली। और इसके साथ साथ जो यूजर का टाइप है उसे हम कर देंगे, एक बार मैं देख लेता हूं हमने क्या क्या ऑप्शन रखा था, REG कर देंगे। तो मैं यहां इसे कर देता हूं
REG. That's it. एक बार चलते हैं अभी. कार्ड की टेबल में यही डेटा पड़ा हुआ है मेरा. एक बार मैं लॉगिन करता हूं. लॉगिन करने के लिए ये मेरी यूजर की आईडी है. कार्ड की टेबल को मैं ओपन करके रखता हूं. हम आए लॉगिन पे, ईमेल आईडी डाली, ABCD नाम का पासवर्ड डाला और लॉगिन के बटन पे क्लिक करा. डेटाबेस की टेबल में आए तो ये अपडेट होना चाहिए था पर अपडेट हुआ नहीं है. कोई बात नहीं, देखते हैं लॉगिन प्रोसेस में हम लोगों ने क्या करा है गड़बड़. तो टेबल का नाम था मेरा कार्ड, बिल्कुल ठीक है. मैंने बोला कि जो यूजर का आईडी है वो है ये वाला, बिल्कुल ठीक है. और यूजर, अच्छा यूजर टाइप में नॉट REG करना था ना, नॉट REG. चलिए अभी एक बार चलते हैं, लॉगिन करते हैं ABCD. देखिएगा जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करा तो ये दो दिखाना चाहिए था यहां पे डेटा, या तो अभी भी अपडेट हुआ नहीं है. तो डेटा अपडेट तो हो गया मेरा, यहां पे 8 आ गया, 8 रजिस्टर्ड यूजर है मेरा. पर शॉपिंग कार्ड में जो डेटा है वो मेरा यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है. तो शॉपिंग कार्ड का डेटा क्यों दिखाई नहीं दे रहा है एक बार ये देखना पड़ेगा. कार्ड का पेज चल रहा है मेरा, कार्ड पे आता है डेटा कि नहीं आता है, कहीं पे भी डेटा नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं. तो टेम्पलेट पे चलते हैं हम. हमारे टेम्पलेट है हमारा लेआउट का, कहां गया लेआउट, लेआउट ओके. एक बार देखते हैं यहां पे कि भाई डेटा क्यों शो नहीं हो रहा है, डेटा शो कहां पे होता है एक बार मैं चेक कर लेता हूं. तो डेटा मेरा इस बटन पे शो होता है, कंट्रोल F5 कर लेते हैं. तो यहां पे ये जो है कार्ड टोटल आइटम नाम का एक वेरिएबल है, ये आता है यहां से. ये इस फंक्शन को कॉल करता है गेट एड टू कार्ड टोटल आइटम. चलते हैं इस फंक्शन में. तो इस फंक्शन में भी हम लोगों ने इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ किया होगा. तो यहां पे मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे पास रजिस्टर्ड यूजर है तो यूजर का आईडी, देखिए गलत वेरिएबल यूज करा है हमने यहां पे भी. अगर यूजर रजिस्टर्ड है तो लॉगिन थोड़ी उसकी आईडी देगा, आईडी तो उसकी हमें इधर से निकालनी पड़ेगी ना. तो मैं लॉगिन अंडरस्कोर प्रोसेस पे चलता हूं और एक बार यूजर आईडी इस वेरिएबल में पड़ी हुई है मेरे, कॉमन पे आते हैं और ये डाल देते हैं. एक बार रीलोड करके देखते हैं अभी. तो देखिए प्रोडक्ट जो थे मेरे शो हो गए. कार्ट पे आए तो कार्ट पे भी कोई दिक्कत है, कार्ट के पेज पे भी देख लेते हैं एक बार. कंट्रोल F, कार्ट, एड टू कार्ट, कार्ट का पेज ये रहा. यहां पे भी गड़बड़ यही है कि मैंने ये वेरिएबल गलत बनाया, रीलोड करेंगे तो ये डेटा मेरे पास बराबर तरीके से यहां पे आ गया. सो ये बेसिकली हमें करना था. कि अब क्या फायदा है कि अगर आप रजिस्टर्ड करेंगे, सॉरी लॉगिन करेंगे जब भी सिस्टम पे अपने, तो ये जो भी आपके टेम्परेरी स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है वो आपको यहां पे बना के दे देगा. एक काम और भी कर सकते हैं हम कि जब ये डेटा मेरे पास सेव हो गया है तो वो टाइम पे जो लॉग आउट का हम लोगों ने राउट बनाया था वहां से भी मैं क्या करता हूं कि ये जो सेशन का वेरिएबल है टेम्परेरी वाला इसको भी रिमूव कर देते हैं. अब इसकी भी कोई जरूरत है नहीं हमें, इसको भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं जब भी एड टू कार्ड मेरा हो रहा है वो टाइम पे, सॉरी लॉग आउट जब भी हो रहा है मेरा वो टाइम पे. तो जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा तो अब मेरा ये एड टू कार्ड पे कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि एड टू कार्ड जो है वो मेरा जो रजिस्टर्ड यूजर है उसके लिए एलोकेट हो गया है. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो. यही एक छोटा सा फीचर था जिसके बारे में मुझे आपको बताना था. नेक्स्ट वीडियो से फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चेकआउट के पेज को. दो पार्ट में आएगा ये वीडियो भी. एक पार्ट में हम लोग चेकआउट का जो फीचर है वो इंप्लीमेंट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग जो पेमेंट गेटवे का फीचर है इसमें वो इंप्लीमेंट करेंगे. तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा. कहीं पे कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू.